अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेके। आज मैं कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, तो चले हम मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। तो चले वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो आज मैं ब्लू हेवन के प्राइमर का और कलर एसेंस का एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट का 3-in-1 का एक पैलेट आया हुआ है। तो चलते हैं, ये देखते हैं ये सब कैसा है। सबसे पहले मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर में दिया हुआ है, ये फिल करता है आपके ओपन पोर्स जो होते हैं वो सारे फिल करते हैं, और फाइन लाइन्स होते हैं, जो फाइन लाइन्स हमारे होते हैं वो ये पूरी कवर करते हैं। अच्छी तरह प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा ताकि प्राइमर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्किन में। हर प्रोडक्ट का अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए पेशेंट के साथ आप कोई भी मेकअप करें तो पेशेंट के साथ करें। ओके, मैंने प्राइमर अप्लाई कर दिया है। तो ये है 3-in-1 है मेकअप करेक्टर कंसीलर प्लस फाउंडेशन प्लस कॉम्पैक्ट नॉर्मल टू मीडियम स्किन। जैसा आप देखिए ये कलर सेंस का है, ये है। ओके, मैं इसे ओपन करती हूँ। आप ये मैंने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिया है। ये येलो टोन में है, वार्म बेस मीडियम स्किन टोन के लिए है ये। चले हम देखते हैं। वेट स्पंज से आप इसे लाइटली ले और डैब डैब करके, आपको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी आपको रगड़ना नहीं है, आपको डैब डैब इसको देखें, इसे डैब 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 करके तो पहले स्पंज मिले उसके बाद ही आप अपने स्किन पर अप्लाई करें। तो ये देखें, ये हो गया। जैसे ये आपका बेस वाटर बेस बनता है, वाटर प्रूफ बेस बनता है आपका ये बेस। आप खास करके समर में लगाएं, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। ये देखें, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मुझे पर्सनली कलर एसेंस का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा ग्लो भी देता है, साइन भी देता है बहुत अच्छा। तो ये देखें, ये हो गया, मैंने अप्लाई कर लिया पूरा फाउंडेशन। कलर एसेंस का ही कॉम्पैक्ट लूँगी, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुझे बहुत पसंद है कलर एसेंस का। ये भी कॉम्पैक्ट मीडियम स्किन टोन का है। ये देखें, ये हो गया है पूरे तरीके से। अब आप इसको पूरे तरीके से कंप्लीट होने के बाद आप देखें, ये कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको इस पर वाटर स्प्रे करके भी दिखाती हूँ ये वाटर बेस है कि नहीं है। वाटर स्प्रे करने के बाद टिश्यू पेपर में आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा भी बेस नहीं आया है, लेकिन लेकिन वाटर जाने के बाद ये पूरी तरीके से नेचुरल हो गया है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। अब आप भी ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आप बताएं कि कैसा है। ये बहुत ही अच्छा है, बस इसकी थोड़ी सी कॉस्टली है,
599 में मुझे ये मिला, तो मतलब 600 समथिंग है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिश दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।